Hello and welcome to the Dream 11 of ICC Men's T20 World Cup 2024. So, आज हम बात करने वाले हैं आज के मैच यानी पाकिस्तान वर्सेस कनाडा क्लैश की। बल्कि दोनों टीम्स आज आमने सामने देखने को मिलेगी और ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और ये मैच दोनों टीम्स के लिए काफी क्रूशियल है और हम सभी एक्साइटेड है कि आज के मैच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और पाकिस्तान के लिए ये सफर अब थोड़ा डिसअपॉइंट तो रहा है। उन्होंने अपने कैंपिंग की शुरुआत में ही दो हार का सामना किया यूएसए और इंडिया के खिलाफ, और अब ये हालत उनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग नहीं काफी चैलेंजिंग है। वही अब तक ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान यानी फोर्थ पॉइंट टेबल पर है। वही दूसरी तरफ कनाडा ने अपने 2024 कैंपिंग के मैच में आयरलैंड को हराकर ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में थर्ड पोजीशन भी ले लिया है। फुली पिच फास्ट बॉलर्स के लिए काफी वैल्यूएबल रही है और आज जो टीम पहले बॉल करती है उसके पास इस गेम में थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है। Yes, you heard right. So, सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम 11 के लिए पाकिस्तान और कनाडा के मैच में किस किस प्लेयर्स को अपने टीम में शामिल करना एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बोल पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली जैसे प्लेयर्स हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से आज इस मैच को पलट सकते हैं। सो वही कनाडा की तरफ से नीतीश कुमार, रिजवान और साद बिन जफर काफी कैपेबल प्लेयर्स हैं। सो बात करती हूँ मेरे ड्रीम 11 प्लेयर्स की, जिसमें मेरे कैप्टन होंगे मोहम्मद रिजवान। वेल मैं आपको बता दूँ, मोहम्मद रिजवान आज ओपनिंग में उतरे एंड वही वाइस कैप्टन में मैं चुनूंगी शाहीन अफरीदी। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहीन अफरीदी और हसन अली बॉलिंग डिपार्टमेंट को आज के मैच में लीड करते हुए नजर आएंगे। वही मेरे बाकी के नो प्रेडिक्शंस प्लेयर्स में होंगे श्रेयस मोवा, बाबर आजम, फकर आमन, निकोलास किर्टोन, इमाद वासिम, डिलन हेलिंगर, जर्मनी गोडाउन, नासिम शाह एंड मोहम्मद आमिर। सो आज का ये मैच देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या पाकिस्तान अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू कर पाएगी या फिर कनाडा कोई सरप्राइज तैयार कर रहा है? बल्कि देखना तो आज के मैच में ही पता चलेगा कि आखिर पाकिस्तान जीतेगी या कनाडा। बोलिए कॉमेंट सेशन में जरूर बताना कि आज आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं।